बैंक्स में जो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो शायद ऐसे बैंक्स में था जो बड़े बैंक्स हैं. SBI में आपने निवेश करा था, आपने और PSU बैंक्स में निवेश करा था, आपने ICICI बैंक में निवेश करा था. बैंकिंग में एक तरफ तो फिनटेक है और एक तरफ मिड कैप है, तो आपको क्या लगता है कि 3-5 साल में बैंकिंग क्षेत्र का क्या रुख रहेगा? देखिए, मुझे लगता है बैंक्स ग्रो करेंगे क्योंकि इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ शुड बी फास्टर देन नॉमिनल GDP ग्रोथ. और मुझे लगता है बड़े बैंक्स शेयर गेन करेंगे छोटे बैंक से, और क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जो एक ब्रांच की या मैन पावर की जो एक लिमिटेशंस होती हैं कि आप कितने लोन लिख सकते हैं, कितने छोटे छोटे लोन लिख सकते हैं, वो सब लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं. तो मुझे लगता है जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी बड़ी बैलेंस शीट P&L है, अच्छी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और हज़ारों करोड़ रुपये साल वो टेक्नोलॉजी में खर्च कर सकते हैं, ये बैंक्स अच्छा करेंगे, ये शेयर गेन करते रहेंगे. साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बैंक्स हैं जो बहुत अच्छे वेल मैनेज्ड हैं, अच्छे स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं. तो लेकिन आप फिर भी मैं कहूँगा वहाँ पे छोटे बैंकों में से 10 में से 2 अच्छा करेंगे, लेकिन जो बड़े 3-4 बैंक हैं शायद वो सभी अच्छा कर पाएंगे. प्रशांत साहब, ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी के अंदर जो बड़ी कंपनियाँ और बड़ी हो रही हैं? मिसाल के तौर पर 2000 में जब मैंने अपना करियर चालू किया था तो इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी थी TCS, इंफोसिस, विप्रो, अभी भी हुई है. उस समय इंडिया के 3 सबसे बड़े बैंक थे, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, अभी भी हुई है. तो हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लोगों का उत्साह हमेशा बना रहता है, मगर हम अक्सर देखते हैं कि जो सबसे डिस्प्रोपोर्शनेट गेनर होता है वही लार्ज कैप कंपनियाँ ही होती हैं. नहीं निकुंज, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ और अभी भी कहता हूँ. और आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए तो उसका रिटर्न निफ्टी से कम है. निफ्टी से कम है? कम है. 20 साल के हम ट्रैक रिकॉर्ड निकाल, अगर आप लंबे समय देखेंगे 10-15-20 साल, तो उसका रिटर्न निफ्टी से कम है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी कंपनीज जब ऐसे सेक्टर में हैं कि जहाँ पे स्केल इज़ ए एडवांटेज, तो हमको ऐसी कंपनीज में बहुत सावधान रहना चाहिए, उसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है. हाँ, कोई कंपनी छोटी है इसलिए क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन वो उस इंडस्ट्री में वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सबके साथ साबित हो सकता है. और ये मानना गलत है कि देखिए स्मॉल कैप्स की संख्या बहुत है, तो हर वर्ष कुछ 2-5-10% स्मॉल कैप्स आउटसाइज गेंस आपको दे सकते हैं, और बाज़ार का पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रहता है. जो बहुत सारे कंपनीज जिनमें बहुत लॉस होता है उनकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में मुझे लगता है अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं. तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि जो एक बड़ी कंपनीज है जिस सेक्टर में, जब तक वो वेल मैनेज्ड है तब तक उनके पास एज है और तब तक वो और बड़े होते जाएंगे. और ऐसा इंडिया में ही नहीं, दुनिया में भी होता है. लेकिन कभी कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है या कई में ख़राब मैनेजमेंट आ जाता है या कोई और दिक्कत आ जाए, तब वो बड़ी कंपनी परेशानी में आ सकती है. लेकिन जब तक उसको हम ठीक से मैनेज करेंगे तो उसके पास कंपेरेटिव एडवांटेज छोटे के मुताबिक. आखिरी